यूना परिषद श्री कृष्णा हॉस्पिटल रामबाग आगरा की नई सेकंड यूनिट एवं हार्ट केयर सेंटर का उद्घाटन पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने फीता काट कर किया। उन्होंने हॉस्पिटल के निदेशक और स्टाफ को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अरविंद यादव ने बताया कि आधुनिक उपकरणों के साथ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हार्ट केयर सेंटर में मरीजों का इलाज करेगी। बड़ी खुशी का दिन है और क्योंकि हमारे श्री कृष्णा हॉस्पिटल की दूसरी यूनिट साथ में कार्डियक यूनिट का उद्घाटन है, शुभारम्भ है और मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मैंने ये सुविधा ये ब्लॉग इसलिए बनाया है कि जो बड़ी सेवाएं हैं हर्ट से संबंधित अच्छे लेवल की फैसिलिटी कम पैसे में अफोर्डेबल पैसे में सुविधा अवेलेबल करा सके। आज हमारे गुरु समझे या माननीय जो सुरक्षित सुब रहे हैं माननीय शिवपाल जी आ रहे हैं जो हमारी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और मेरी श्री कृष्णा हॉस्पिटल के द्वितीय यूनिट का आज उद्घाटन है। साथ ही हमारी हार्ट केयर यूनिट का भी आज शुभारम्भ है। इसका उद्घाटन हमारे माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी आज करेंगे। आज माननीय शिवपाल यादव जी हमारे हार्ट केयर सेंटर का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ये हमारे बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे हॉस्पिटल में एक सुपर स्पेशलिटी और एड होने जा रही है। पहले से ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कार्डिक डिपार्टमेंट हमने डेवलप किया है जिसमें नियमित रूप से डॉक्टर हिमांशु यादव कार्डियोलॉजिस्ट बैठ रहे हैं और सारी सुविधा जो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड रहती है जैसे ईको, टीएमटी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कैथ लैब्स, ये सारी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में आज से प्रारंभ हो रही है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर ऐसा क्या नया कर सकते हैं, क्या सेवाएँ दे सकते हैं जो कि मरीज़ की बेहतरी के लिए हो। तो मेरा मानना है कि हार्ट की बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में विश्वास कायम होना, जो कि आजकल हमें लगता है कि एक अविश्वास बहुत बढ़ गया है। तो सबसे प्राइम मोटिव हमारा रहेगा कि हम एक विश्वास क्रिएट कर सकें ताकि पेशेंट को लगे कि हाँ उसको वो सही जगह पर पहुँचा है, उसको सही सलाह मिली है और वो पेशेंट के हित में है। दूसरी चीज़ ये है कि खास करके हार्ट की बीमारी जब होती है तो पेशेंट बहुत क्रिटिकल होता है। हार्ट केयर सेंटर की नई यूनिट के शुभारंभ पर पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह ने कहा कि उनकी शुभकामनाएं हैं कि हॉस्पिटल अपनी सेवाओं के जरिए मरीजों और उनके तीमारदारों में अलग जगह बनाए। उन्होंने इस मौके पर हॉस्पिटल के प्रबंध तंत्र से अपेक्षा करते हुए कहा कि इस हॉस्पिटल में गरीबों को भी बेहतर से बेहतर इलाज मिलेगा। अब श्री कृष्णा हॉस्पिटल में हार्ट डायलिसिस एडवांस लेप्रोस्कोपी एडवांस इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशलिस्ट सर्जरी आदि की सुविधाएं मरीजों को अब एक की छत के नीचे उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गीता यादव, डॉक्टर हिमांशु यादव, शुभम गुप्ता, राजू यादव, नरेंद्र सिंह, बालकिशन यादव, डॉक्टर डीपी सिंह, संतोष यादव, रविन्द्र यादव आदि लोग मौजूद रहे। सुशील शर्मा, सी न्यूज, आगरा।